नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है उसके काम से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड, कि उसके अंदर की जो नॉर्मल इच्छाएं होती हैं, जो कि एक सामान्य मनुष्य में पाई जाती हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। वो अपने जीवन को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाता है। इसके साथ ही ये देखा जाता है कि इन्हीं सारी कंडीशंस के कारण उसकी जो एक सामान्य काम भावना होती है, यानी कि उसकी जो एक नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर होती है, वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि उसके मन में सेक्स से रिलेटेड, यानी कि संभोग से रिलेटेड जो बातें हैं, वो उसको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो अब एक इन चीज़ों के लिए उसके मन में कोई खास जो जगह है वो नहीं रह गई है, उसको ऐसा फील होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तब होम्योपैथी उस पेशेंट की बहुत अच्छे से हेल्प करती है। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाएं आती हैं, उन्हीं दवाओं में से एक के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, जो कि होम्योपैथी में एक एफ्रोडाइसियाक का काम करती है। यानी कि एफ्रोडाइसियाक का मतलब होता है कि वो दवा या वो खाद्य पदार्थ जो कि किसी भी व्यक्ति की काम भावना को, या हम कह सकते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स को बढ़ाता है, उसके अंदर इरेक्शंस प्रॉपर करवाता है, यानी कि कड़कपन जो होना चाहिए वो उसको प्रॉपर करवाता है, और इस तरह के उसके रिजल्ट रहते हैं, तब उस चीज़ को एफ्रोडाइसियाक या उस खाने वाले पदार्थ को या उस ड्रग को एफ्रोडाइसियाक कहा जाता है। तो आज मैं होम्योपैथी में यूज किए जाने वाले एक एफ्रोडाइसियाक ड्रग योहिम्बिनम के बारे में आपसे बात करूंगा। ये मेरे पास होम्योपैथी में योहिम्बिनम का मदर टिंचर रखा हुआ है, और ये जो मदर टिंचर है, ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में। हालांकि इसकी पोटेंसीज का भी यूज़ किया जाता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो होम्योपैथी जो डोजेज रहते हैं वो मदर टिंचर के और पोटेंसी के दोनों फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन लो पोटेंसी और मदर टिंचर का ही यूज़ जो है वो ज़्यादा किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम्स के बारे में, कि हम किस कंडीशंस में या किन कंडीशंस में योहिम्बिनम के मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एफ्रोडाइसियाक ड्रग है, यानी कि मरीजों में या पेशेंट्स में या लोगों में ये काम भावना को बढ़ाती है, उनके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर जो नॉर्मल होनी चाहिए वो लेके आती है, मेंटल टेंशन को ख़त्म करती है। जब हम इसके हेड के सिम्टम की बात करेंगे तब मैं उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई वहाँ पर करूँगा। इसके साथ ही ये जो मेडिसिन है, यदि जनरली देखा जाए तो महिलाओं में यदि स्तन में दूध कम आता है प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, तब उनके स्तन की ग्लैंड्स जो होती हैं, यानी कि ब्रेस्ट की ग्लैंड में भी ये एक्ट करते हैं, और ये मेडिसिन जो है वो काम करती है, और उनकी जो दूध लाने की जो क्षमता है या दूध को बनाने की जो क्षमता है उन ग्लैंड्स की, उसको ये बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है दोस्तों योहिम्बिनम को यूज़ करने का, वो मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, कि जिन लोगों को एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, यानी कि मान लीजिए कि लिवर में या पैंक्रियास में या इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की सूजन की कोई शिकायत है, मान लीजिए कि उनको लिवर में सूजन है या फिर उनको पैंक्रियास में सूजन है, पैंक्रियाटाइटिस जिसे कहा जाता है, या उनको मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन है उनकी इंटेस्टाइन में, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। यदि हम इसके दूसरे जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो जिन महिलाओं में मीनोरेजिया की प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और उनकी जो मीनोरेजिया होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, उस पर भी ये काम करता है, और उसकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत हद तक ये कम कर देता है। तो अब यदि हम इसके हेड के सिम्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर एजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। एजिटेशन का मतलब होता है कि ये जो पेशेंट होता है योहिम्बिनम का पेशेंट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अशांति होती है, मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा वो उत्तेजित रहता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, यदि हम उनके नींद के सिम्टम देखें, तो इन लोगों को नींद भी बहुत कम आती है। और क्यों नींद कम आती है, कि उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। जब वो सोते हैं तो उनके सोते समय उनको उनका पूरा जो पास्ट लाइफ है, यानी कि बचपन से लेके और पूरी
जिस भी उम्र है उनकी, जो भी उम्र है, उस पूरी उम्र के दौरान उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो इंसिडेंसेस हुए हैं, जैसे वो स्कूल में थे या यहाँ थे या वहाँ थे, इस तरह की पूरी जो पास्ट लाइफ है उनके सोते समय उनके दिमाग में चलती रहती है। तो ये एक बहुत खास सिम्टम होता है और इसी के कारण उनके शरीर में मानसिक उत्तेजना की अवस्था देखी जाती है, अशांति की अवस्था देखी जाती है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। और यदि यहाँ पे ये सिम्टम उनकी स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम के साथ मैच करता है और उनकी सेक्सुअल जो लिबिडो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि जो संभोग की जो इच्छाएं हैं वो कम है, तब उनको योहिम्बिनम का यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए। अब इसके साथ साथ ही यदि हम इसके चेहरे के सिम्टम की बात करते हैं तो चेहरे पे उनको ऐसा लगता है जैसे कि पूरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा हीट है, और वो हीट जो है वो उड़ती हुई हीट है। उड़ती हुई हीट का मतलब है कि कभी ये गाल गर्म लगेगा, फिर यहाँ से ये जो माथा है ये गर्म लगने लगेगा, फिर इस गाल पे गर्मी लगने लगेगी, हीट महसूस होगी। हीट मतलब गर्म, जो गर्मी होती है वो महसूस होती है उनको। यदि हम इसके मुंह के सिम्टम की बात करते हैं तो डिसएग्रेबल मेटेलिक टेस्ट उनको रहता है, मतलब मुंह में एक बड़ा अजीब सा मेटेलिक टेस्ट रहता है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। नौशिया की इनको प्रॉब्लम होती है, जैसा कि नौशिया का मतलब है कि उनको उल्टी के जैसी इच्छा होती है, यानी कि जिसे मतली भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, उल्टी आने जैसी इच्छा होती है। और इसके साथ साथ ही इरेक्टेशंस आते हैं, यानी खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी रीगर्जिटेशन भी होता है, मतलब जो खट्टा पानी है वो मुंह में वापस पेट में आ जाता, पेट से वापस मुंह में आ जाता है, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसके सेक्सुअल सिम्टम्स की बात करते हैं तो खास तौर से इन लोगों में इरेक्शंस तो होते हैं, लेकिन वो इरेक्शंस कब होते हैं, सोते समय इरेक्शंस होंगे। डिजायर्स तो होंगी लेकिन बहुत कम मात्रा में डिजायर होंगी, क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए सोते समय जब सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव होता है तब उनको इरेक्शंस होते हैं, और जब वो नॉर्मल इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं तब उतने ज़्यादा इरेक्शंस उनको नहीं होते हैं। यहाँ पर न्यूरास्थेनिक इंपॉर्टेंसी देखी जाती है, नपुंसकता की शिकायत देखी जाती है। ये जो पेशेंट होता है वो पूरी तरह, चूंकि उसके अंदर कोई खास सेक्सुअल डिजायर नहीं है, इसलिए वो सेक्स करने में या संभोग करने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। इसके साथ ही ब्लीडिंग पाइल्स भी एक ऐसी समस्या है जिसमें कि योहिम्बिनम का यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है और उसमें बहुत ज़्यादा खून उनका निकलता है, तब उस कंडीशन में भी योहिम्बिनम का यूज़ किया जाता है, लेकिन तभी जबकि बाकी के सिम्टम्स पेशेंट के इस मेडिसिन से मैच कर रहे होते हैं। यूरिथ्राइटिस की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, यानी कि यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन की शिकायत देखी जाती है, और इसका मतलब है कि उनको पेशाब करते समय या यूरिन करते समय जलन पड़ती है, ठनका टाइप का पड़ता है, और कभी कभी यूरिन का जो फ्लो है वो रुक जाता है, दर्द होने के कारण वहाँ पे ड्रिबलिंग भी होती है, यानी कि बूंद बूंद करके भी यूरिन कभी कभी निकलती है, ऐसा देखा जाता है। अब यदि हम इसके फीवर के सिम्टम्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इनको जब भी बुखार आता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार आता है, और उस बुखार में इनको राइगर्स आ जाते हैं। राइगर्स मतलब शरीर एकदम से कपने लगता है, हाथ पैर बहुत तेज कपने लगते हैं, इस तरह के सिम्टम आते हैं। और इसके साथ ही एक जो सिम्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले फेस पे बताया था कि जो हीट है वो फ्लाइंग हीट का सेंसेशन इनको होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, उसके साथ ही चिलीनेस भी एसोसिएटेड होती है। मान लीजिए कि चेहरे पे यदि हीट है तो हाथ के पंजे पैर के पंजे बिल्कुल से एकदम ठंडे रहेंगे, ये इसका एक बहुत खास सिम्टम देखा जाता है। इसके साथ ही फीवर की अवस्था में इनको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। और नींद के सिम्टम्स के बारे में यदि हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, आती भी है तो सुबह जब ये सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सोए ही नहीं है, और इनके सामने इनकी आंखों में इनके सपनों में इनका जो पास्ट लाइफ थी, इनका जो बचपन था, ये या जब जॉब कर रहे थे या जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, पूरे टाइम उनको वो चीज़ें दिखाई देती रहती हैं। तब इनको ऐसा लगता है कि जब ये सुबह सोकर उठे तो इन्होंने सोया तो 8 घंटे, लेकिन इनको ऐसा लगा ही नहीं कि ये सोए हैं, क्योंकि दिमाग में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एजिटेशन की अवस्था है, मानसिक उत्तेजना की अवस्था है, तो इनको नींद आती ही नहीं है। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि योहिम्बिनम में इंडिकेटेड होते हैं, यानी कि योहिम्बिनम का जब उपयोग किया जाना चाहिए तब, जबकि ये जो सिम्टम्स हैं मैच करते हों किसी पेशेंट्स से। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो सामान्यतः लो पोटेंसी या फिर मदर टिंचर का यूज इसमें किया जाता है। लो पोटेंसी में योहिम्बिनम 3x में यूज की जाती हैं, 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार, और मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके मदर टिंचर की
पांच पांच बूंद दिन में तीन बार पीना यदि शुरू किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन पांच बूंद से ज्यादा ना पिए। यहाँ पे एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पांच पांच बूंद दिन में तीन बार आधे कप या एक कप पानी में मिला के आप पी सकते हैं, और यदि आपको पोटेंसी लेना है तो फिर चार चार टेबलेट्स आप यूज कर सकते हैं योहिम्बिनम 3x पोटेंसी की। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।